नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप फ्रंट पट्टी कैसे बना सकते हैं और उसमें डिजाइन किस तरीके से डाल सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन डिजाइन मैं आपको बना के इसमें दिखा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पट्टी चिपका लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, शर्ट में उल्टा सीधा है, तो हमको इसमें क्या करना है, हमको पट्टी ये ऐसे करके हम नहीं बना सकते इसमें। या तो हम अलग से कपड़ा लगाएं, तो हमको अलग से कपड़ा लगाना नहीं, हम इसी में बना देंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो अब देखिए, इसमें हमको क्या करना है, ये जैसा कि यहाँ से किनारी है, यहाँ से हमारी टूटना चाहिए, पर हमको जो है पट्टी यहाँ से चिपकाना होगी, क्योंकि यहाँ पर हम पट्टी बनाएंगे तो आधा इंच की यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, तो वो पल्ला कम हो जाएगा, वो हमको इधर से एक्स्ट्रा लेना होगा। ओके, तो इस तरीके से हम चिपकाएंगे पट्टी। तो इससे क्या है, आपका ना ही जोड़ आएगा, ना ही अलग से आपको पट्टी लगाने की जरूरत पड़ेगी, और डिजाइन भी आपकी बन जाएगी। तो यहां पर ये चिपक गई है, अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो आपको ये जो किनारा, ये तो आपको ये अंदर वाला जो हिस्सा है इसका, ये इतना ही फोल्ड करना है जितनी आपकी पट्टी है। अगर बढ़ती हो तो आप इसको छांट सकते हैं कैंची से। उसके बाद हम इसको इस तरीके से एक बार और फोल्ड करके यहां पर, तो इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। तो इतना काम हमारा हो गया, इसको रख देते हैं साइड में। अब इसको हम ब्लैक कलर का इसमें कंट्रास्ट लगाएंगे और इसको हम फोल्ड कर लेते हैं, मतलब तोड़ लेते हैं। अब हम इसको फोल्ड करते हैं, नोक बना लेते हैं। तो हम चलते हैं मशीन पे। तो यहाँ पर जैसा कि सबसे पहले हमको पट्टी लगाना है ये, तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं ताकि हमारी बाहर सिलाई ना आए। तो सबसे पहले यहाँ पर पट्टी कितनी लगेगी, तो पाकिट से आधी लगाना चाहिए, जैसे कि पाकिट हमारी आएगी यहाँ पर। अगर हम 8 इंच पे पाकिट लगाएंगे तो पाकिट जो है 5 इंच की रहेगी, तो 2.5 इंच पाकिट की लंबाई 5 इंच रहेगी, तो ये 2.5 इंच। तो यहाँ से हम देखिए नापते हैं, तो ये आ रही 8 इंच, तो 8 इंच सही है, 8 इंच पे हमको लगाना है। अब यहाँ पर हमको नोक रखना है, तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से प्रेस से तोड़ लें ये, ठीक, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दोनों तरफ बराबर करके इस तरीके से हमको लगाना है सिलाई। तो ये हमने पट्टी बना दी, अब हम बनाते हैं अपनी मेन जो पट्टी है इसकी बो। तो इस तरीके से अब हम जो है इसको बनाते हैं, इसको फोल्ड करना है। सबसे पहले हम लगाएंगे पैर की सिलाई, तो पैर के आधे पैर की इसमें सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इस पे हमारी सिलाई नहीं आना चाहिए। उसके बाद लगाएंगे इधर साइड में। तो ये रही पट्टी, तो अब हम इस पर प्रेस लगाएंगे, क्योंकि कोई भी डिजाइन बनाए तो प्रेस जरूर लगाएं, इससे क्या है एकदम फिनिशिंग आती है अच्छी। आप
बटन जो है वो मढ़वा के यहाँ पर दो बटन आपके लगेंगे, समझ गए ना, एक तो यहाँ पर लगा दें एक यहाँ पर लगा दें, इस तरीके से। तो ये जो है ये मतलब बराबर से आपको बटन लगाना है। तो ये जो है एक डिजाइन बन जाएगी, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं भाई। आप पॉकेट पे भी चाहें इसको डिजाइन को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको डिजाइन अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।